कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दीवान जोगराज में बाबा ने बच्ची को पकड़ा की अश्लील हरकत, और बाबा ने मंत्री के मान सम्मान को भी न समझा और करी डाली अश्लील हरकत। हालांकि बच्ची ने बताया रो रो कर पूरा मामला, लेकिन इसी बीच कोतवाली की पुलिस पहुंची और बाबा को पकड़ा। और बच्ची और बच्ची के परिवार वालों ने रो रो कर बताई पूरी दास्तान कि मेरी बच्ची गोबर लेने गई थी मंदिर में, लेकिन बाबा बैठा हुआ था। इसी बीच बाबा ने पकड़ लिया 9 साल की बच्ची को और अश्लील हरकतें करने के लगा। इसी बीच चिल्लाकर बच्ची भागी तो लोगों ने देखा और देखने के बाद पकड़ा। इसी बीच पुलिस आई, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, लेकिन 9 साल की बच्ची बेचारी थर्रा रही थी, रो रही थी और कह रही थी बाबा ने मेरे साथ ये करा। हालांकि मंत्री के घर के सामने का मामला था, इसीलिए लोग छुपा रहे थे, लेकिन पीड़ित ने फोन करके खुद बताया और घर पे ले गया और परिवार की लोगों से बयान दिलवाए, बच्ची से भी बयान दिलवाए। केजीएन इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे बच्ची और उसकी माता की जुबानी कि क्या गुजरी उस बच्ची के ऊपर, 9 साल की बच्ची के ऊपर बाबा को ना आया तरस। पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन साक्ष्य हमारे पास हैं। और इसी बीच जब हमने पुलिस से मालूम करा तो उनका ये कहना था कि रिपोर्ट दर्ज होगी, मुकदमा लिखा जाएगा और बाबा जेल भी जाएगा। हालांकि परिवार के लोगों का ये कहना था कि नेताजी मंत्री जी के घर के पास का मामला, इसीलिए मामले को दबाया जा सकता, लेकिन हम चाहते मेरी बच्ची के साथ जो हुआ वो किसी और बच्ची के साथ न हो, इसलिए बाबा का जेल जाना है बेहद जरूरी। और खबर हम दिखाएंगे आपको केजीएन इंडिया न्यूज पर विस्तार से दिखाएंगे कौन बाबा था, कहां रहता था, कौन से मंदिर में था, और लड़की को 9 साल की लड़की के साथ उसकी इज्जत से कैसे खेला। लड़की ने हाथ में काटा और अपनी जान बचाकर भागी, परिवार के लोगों को बताया, लेकिन कुल मिला के शर्मनाक घटना। बाबा ने 9 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा, मंत्री के घर के सामने है मंदिर और उसमें रहता था बाबा, और बाबा ने दिया घटना को अंजाम, और इसी बीच पुलिस की गिरफ्त में है इस टाइम बाबा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं।